बालकों की अत्याधुनिक उत्पादन प्रणाली और बालकों कर्मियों की कर्मठता ने बिलासपुर शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय के छात्रों को अत्यंत प्रभावित किया। बालकों का अवलोकन करने आए मैकेनिकल ब्रांच के 50 छात्र छात्राओं ने छत्तीसगढ़ राज्य के गौरवशाली संयंत्र में बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु निर्माण की प्रक्रिया देखकर अपने तकनीकी ज्ञान में वृद्धि की। बालको लर्निंग सेंटर में मानव संसाधन सह महाप्रबंधक श्रेयस के उपाध्याय ने बालको संयंत्र का अवलोकन करने आए बिलासपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं को बालको के लक्ष्यों और उत्पादन प्रक्रियाओं से अवगत कराया। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सबसे पहले एल्यूमिना संयंत्र की कार्यविधि देखी। संबंधित अधिकारियों ने उन्हें बताया कि एल्यूमिना संयंत्र की प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता 2,00,000 टन है। बालको प्रबंधन के प्रयासों से अब संयंत्र की क्षमता में इजाफा हो रहा है। एल्यूमिना संयंत्र के बाद विद्यार्थियों ने स्मेल्टर पावर प्लांट कास्ट हाउस और एल्युमिनियम के अनेक उत्पादों का अवलोकन किया। बिलासपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने बालकों की कार्यशैली की भरपूर सराहना की। उन्होंने कहा कि बालकों में अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच उत्कृष्ट तालमेल है, यही वजह है कि बालकों का उत्पादन ग्राफ निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। दिस बालको प्लांट इज एन एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स टू नो द प्रोसेस। आवर स्टडी वॉज कन्फाइंड टू ओनली बुक्स, बट नाउ बाई विजिटिंग हियर वी नो द एक्चुअल प्रोसेसेस, व्हाट इज एक्चुअली डन इन दिस प्लांट। द स्टाफ वॉज वेरी गुड, दे आर एक्चुअली वेरी फैंटास्टिक स्टाफ। वी आर जस्ट हैविंग द थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ ऑल द कास्टिंग एंड वेरियस प्रोसेसेस, बट व्हेन वी कम हियर देन वी एक्चुअली केम टू नो दैट how all the things happen, and now we are able to imagine all the theoretical part that we are actually learning in our subject, and that's why it was very beneficial to us, and the staff members are very cooperative. ये यात्रा हमारी पहली इंडस्ट्रियल विजिट थी और ये बहुत अच्छी रही। जो थ्योरी हमने अभी तक पढ़ी थी किताबों में बॉयलर के बारे में, टर्बाइन के बारे में, आज हमने प्रैक्टिकली उसे देखा और समझा। ये हमारे सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी ये यात्रा, और यहाँ बालकों के कर्मचारियों का, अधिकारियों का, इंजीनियर्स का बिहेवियर बहुत पॉजिटिव रहा और उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया एवं समझाया।